हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि वह आपको लेकर आज पूरा दिन कैसा महसूस कर रहे थे, कैसा फील कर रहे थे, क्या थे उनके थॉट्स और इमोशंस। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए मैसेजेस आएंगे, तो जितना आपके साथ रेजोनेट करता है उतना ही एक्सेप्ट कीजिएगा। जबरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन करने की कोशिश मत कीजिएगा। ये रीडिंग सभी जोड़ियक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, यह आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी समय बाद क्यों ना पहुंचे हों। अगर आप मुझे सुन रहे हैं, अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं, देन डेफिनेटली इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज है। ओके व्यूअर्स, अगर आप ड्रीम टैरो चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, सब्सक्राइब जरूर करें ड्रीम टैरो चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर आऊं, सबसे पहले वो आप तक पहुंच सके। ये कार्ड बाहर आना चाहता है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो आज पूरे दिन कैसा महसूस किया है, पहला कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। अगला कार्ड है फाइव ऑफ सोर्ड्स, क्या बात है। एंड द टेम्परेंस, ये अभी बीच में भी अनफोल्ड हुआ था शफल करते वक्त, तो ये कार्ड आना था इसीलिए दोबारा आ गया है। सेवन ऑफ वैंड्स। ओके, चलिए देखते हैं यहाँ पर एक कार्ड और। हियर वी हैव आई नीड वन कार्ड, चलिए देखते हैं। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स, क्या बात है। यहाँ पर एनर्जी ऑफ डेक जो है वो है टू ऑफ पेंटिकल्स। चलिए पहले मैं इन कार्ड्स को अरेंज करती हूँ। ओके व्यूअर्स, तो मैंने यहाँ पर कार्ड्स को अरेंज कर लिया है। तो आज आपके पर्सन पूरा दिन कैसा महसूस कर रहे थे। देखिए, पहली चीज जो मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, और उस चीज को देखकर मुझे बहुत हंसी भी आ रही है, मैं क्या करूं। यहाँ पर ऐसा दिखता है कि जैसे आप और आपके पर्सन दोनों ही बहुत ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्टिंग हो, दोनों में से कोई भी कभी भी एडजस्टमेंट के लिए या सेक्रीफाइस के लिए या झुकने के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि आप दोनों का जो टेम्परामेंट है वो लगभग सेम है। आप दोनों की पर्सनालिटी जो है वो एक दूसरे को टक्कर देती है, लाइक कोई कम नहीं है। एक शेर है तो दूसरा सवा शेर है, ऐसा समझ लीजिए बस, कि कोई भी किसी से कम नहीं पड़ता है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप दोनों ही बहुत अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपनी रिस्पेक्ट को, अपनी वैल्यू को बहुत समझते हैं। आप भी अपने रिस्पेक्ट को बहुत समझते हैं, आपके पर्सन भी अपने रिस्पेक्ट को ज़्यादा वैल्यू करते हैं। आप लोगों के लिए आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी प्रायोरिटी है। सेम गोज फॉर योर पर्सन, आपके पर्सन के लिए भी ऐसा ही है। तो ऐसा लगता है क्वीन और किंग ऑफ सोर्ड्स दोनों ही कार्ड्स यहाँ पर हैं। ऐसा लगता है कि आप दोनों ही किंग और क्वीन की एनर्जी में हैं। ओके, अगर एक क्वीन है तो दूसरा भी किंग है। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप दोनों की पर्सनालिटी बहुत रूल करने वाली है। आप दोनों की पर्सनालिटी रूल करने वाली है और कंट्रोल को, अथॉरिटी को अपने हाथ में लेने वाली पर्सनालिटी है। आप भी इस टाइप के हैं कि आप भी रूल करना चाहते हैं, सारा कंट्रोल, सारी अथॉरिटी, सारी पावर आपको अपने हाथ में भी रखनी है। ओके, यू वॉन्ट थिंग्स टू बी योर वे। और सेम गोज फॉर योर पर्सन, वो भी चाहते हैं सारी पावर, सारा कंट्रोल, सारी अथॉरिटी उनके हाथ में रहे और वो सिचुएशन को अपने हिसाब से चलाएं। तो यहाँ पर पावर स्ट्रगल भी दिख रहा है क्योंकि आप दोनों ही मुझे यहाँ पर वॉरियर टाइप के लग रहे हो। यस, दोनों ही मुझे ऐसे लगते हो जैसे दोनों ही क्या, कैसे मैं उदाहरण दूं, मैं ये सोच रही हूँ, दोनों ही ना बिल्कुल दो धारी तलवार जैसे हो दोनों ही आप। तो बहुत एक भी इंसान किसी की एक बात सुनकर नहीं लेगा। अगर उन्होंने कुछ बोल दिया तो आप ऐसा नहीं है कि एक भी बात टॉलरेट करोगे, और वो भी ऐसे नहीं है कि वो भी एक भी चीज टॉलरेट करेंगे। दोनों ही आप एक दूसरे को मुंह तोड़ जवाब देना जानते हो ओके, ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हो। और कभी भी बात रिस्पेक्ट पर आती है तो फिर आप अपने रिस्पेक्ट को चुनते हो, फिर चाहे कितनी भी कोई भी इमोशंस इन्वेस्टेड हो, कुछ भी हो। और यहाँ पर ऐसा भी लगता है व्यूअर्स, जैसे
आप दोनों को ही कन्विंस करना आसान नहीं है। तो यहाँ पर हुआ ऐसा है कि यहाँ हुआ ऐसा है कि आप दोनों बिल्कुल एक जैसे हो और दोनों ही एक दूसरे को बहुत पसंद करते हो, दोनों ही एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन और केमिस्ट्री फील करते हो, दिख रहा है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर पॉसिबल है कि ईगो क्लैशेस भी हो रहे हों। मैं ये नहीं कह रही कि आप में ईगो है या उनमें ईगो है, लेकिन दिखने में ये पावर स्ट्रगल लग रहा है, दिखने में ये ईगो क्लैशेस लग रहे हैं। तो ये तो मैंने सिचुएशन बताई है, ओके। तो उन्होंने भी आज व्यूअर्स पूरे दिन ऐसा ही फील किया है कि वो तो झुकने वाले नहीं है, और उन्होंने ये भी सोचा है कि ठीक है आप भी नहीं झुकोगे तो ठीक है, नहीं करते बात, क्योंकि आप भी बहुत कहीं ना कहीं अपने रूल्स पर, अपनी जो आपने अपने लिए रूल्स रेगुलेशंस, जो आपने अपने प्रिंसिपल्स बनाए हैं, आप उन पर चलना ठीक समझते हो, और उनको भी अपने वैल्यूज मॉरल्स और अपने प्रिंसिपल्स पर चलना ठीक लगता है। तो वो दोनों तरफ से यही सोच रहे हैं कि मैं तो आगे जाने वाला नहीं हूँ, ये मैं स्टेप नहीं लूंगी कोई, मैं कोई एक्शन नहीं लूंगी क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ एंड ऑल, और सेम गोज फॉर यू। तो यहाँ पर वो जानते हैं कि आप भी कोई एक्शन नहीं लेने वाले, और वो ये भी क्लियर कर रहे हैं अपने आप को कि मैं भी कोई एक्शन नहीं लेने वाला, जबकि मिस कर रहे हो आप दोनों एक दूसरे को, वो भी आपको मिस कर रहे हैं, आप भी उन्हें मिस कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करते हुए, अपनी कहीं ना कहीं अपने वैल्यू सिस्टम को, अपने प्रिंसिपल्स को प्रोटेक्ट करते हुए आप लोग एक्शन नहीं लेना चाहते हो, जबकि आप दोनों ही थोड़ा बहुत यू नो उसे क्या कहते हैं, केमिस्ट्री है, वो तड़प है, तड़प नहीं कहना चाहिए, बट स्टिल वो मतलब क्रेव कर रहे हैं वो भी आपके लिए, दे आर ऑल्सो मिसिंग यू। लेकिन मैंने कहा ना, सबसे ऊपर फिर उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट है। लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में से कोई झुक नहीं रहा, इसीलिए ये ईगो बैटल लग रहा है, ईगो बैटल लग रहा है, पावर स्ट्रगल लग रहा है, जैसे मैं ज्यादा पावरफुल हूँ इस रिश्ते में, या मेरी ज्यादा चलेगी, या मैं ज्यादा पावरफुल हूँ, दोनों मुझे ऐसे पुश एंड पुल वाली सिचुएशन लग रही है, ओके। तो ऐसा लगता है, यहाँ पर मुझे लग रहा है व्यूअर्स, कहीं ना कहीं आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बात करते हो, लेकिन बहुत ऑनेस्ट हो, आपके पर्सन भी ना थोड़ा ना ब्रूटल होकर, थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर और प्रैक्टिकल होकर बात करते हैं, तो दोनों में ना कुछ सिमिलैरिटीज तो हैं। आप भी क्लियर कट बात करना पसंद करते हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना पसंद करते हो, और ऑनेस्टी पसंद करते हो, और आपके पर्सन भी यहाँ पर ऐसा लगता है कि वो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, लेकिन थोड़े रूड हो जाते हैं, लेकिन वो रूड नहीं होना चाहते, वो थोड़े प्रैक्टिकल और लॉजिकल साउंड करना चाहते हैं। तो ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है कि वो आज भी ऐसा ही कर रहे थे, ऐसा ही सोच रहे थे कि वो जो भी कर रहे हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है उनका, और बिल्कुल उन्होंने कोई कन्फ्यूजन नहीं रखा है, कोई बात नहीं छुपाई, झूठ नहीं बोला है, चीट नहीं किया है, सब कुछ उन्होंने क्लियर कट बताया है, या उनकी गलती नहीं है क्योंकि वो तो ऑनेस्ट हैं, वो तो शुरू से ही स्ट्रेट फॉरवर्ड रहे थे, जो है सच वो वैसे ही रहे हैं, वो अपने आप को बदल नहीं सकते। आई डोंट नो वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं, ओके वो ऐसा सोच रहे हैं आज कि वो तो बहुत ऑनेस्ट हैं, और वो उन्होंने जो भी किया है वो सच किया है, सच के बेसिस पे किया है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड रहे हैं, उन्होंने हमेशा अपने इंटेंशंस क्लियर रखे हैं। और मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स यहाँ पर कि आपके लिए भी वो यही सोच रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं रूड हो जाते हो, या आप कहीं ना कहीं कन्विंस नहीं होते हो, सिचुएशन को समझते नहीं हो, वो आपको थोड़ा आपके बारे में बोलना चाहते हैं, या आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि आप अंडरस्टैंडिंग नहीं हो, या आप कन्विंस नहीं होते हो, या कहीं ना कहीं आप हमेशा क्वेश्चन करते हो, हमेशा आप अनसेटिस्फाइड रहते हो चीज़ों को लेकर, हमेशा आपके मन में क्वेश्चंस हैं, हमेशा आप डोमिनेट करना चाहते हो, तो वो भी यही सोच रहे हैं जैसा आप सोच रहे हो। मुझे लगता है कि ये ना बहुत मिररिंग वाली सिचुएशन है, आज हो सकता है कि आज पूरा दिन आप लोगों ने एक दूसरे को मिरर किया है, क्योंकि मुझे जो थॉट्स दिख रहे हैं आप लोगों के वो काफी सिमिलर दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है व्यूअर्स कि वो आपके लिए ऐसा सोच रहे थे कि आप कहीं ना कहीं सिचुएशन कंट्रोल करना चाहते हो, जबकि आपके पर्सन हमेशा क्लियर रहे हैं, ऑनेस्ट रहे हैं, ओपन रहे हैं और लॉजिकल रहे हैं, और आपके लिए भी वो ऐसा सोचते हैं कि आप सिचुएशन को अपने हाथ में लेना चाहते हो, या अभी भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं है किसी चीज को लेकर, समथिंग लाइक दैट। आपके पर्सन आज ये भी सोच रहे थे कि आप बहुत डिफेंसिव भी हो रहे हो, क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो तो कितने जेन्युइन हैं, कितने ऑनेस्ट हैं, कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं,
फिर भी आपको उनका विश्वास ही नहीं होता है, फिर भी आप खुलकर उन पर विश्वास नहीं कर पाते हो। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स, वो आपका पर्सनैलिटी ट्रेट है कि आप सवाल पूछते हैं और हमेशा क्यूरियस रहते हैं जानने के लिए। आपका ना क्यूरियस नेचर है कि कोई बात अगर आपको लगती है तो आपके मन में अगर डाउट आ गया तो उसे क्लियर करके रहेंगे आप, और जब तक आपका डाउट क्लियर नहीं होता है, एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिलता है, सेटिस्फैक्ट्री कंक्लूजन नहीं मिलता है, तब तक आपके मन में क्यूरियोसिटी रहती है, यानी कि जिज्ञासा रहती है जानने की, और जब जिज्ञासा रहती है तो प्रश्न रहते हैं, प्रश्न रहेंगे तो फिर क्वेश्चंस हैं, तो फिर क्वेश्चंस का आंसर भी चाहिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे आप ना सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हो, क्योंकि आप विश्वास नहीं करना चाह रहे अभी किसी भी बात का, आपको आसानी से विश्वास नहीं करना है, हर बात के लिए आपको एक रिलायबल रीजन चाहिए, ओके, एक प्रॉपर वैलिड रीजन चाहिए और कमिटमेंट चाहिए, या हर बात के लिए कुछ कुछ सॉलिड चाहिए। यूं ही आप विश्वास नहीं करना चाहते, क्योंकि आप भी बहुत एक ऑनेस्ट इंसान हो, इसीलिए आप दूसरे को आसानी से विश्वास नहीं करना चाहते हो। आपको लगता है कि पहले मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो जाऊं, या पहले पूरी तरह से मुझे क्लैरिटी होनी चाहिए, मेरे मन के सारे प्रश्नों का उत्तर मिलना चाहिए, इसीलिए आप थोड़े डिफेंसिव हो और आंख बंद करके आगे नहीं चलना चाहते हो। तो आपके पर्सन भी यही सोच रहे थे कि आज आपके पर्सन भी यही सोच रहे थे कि आप बहुत डिफेंसिव हो, और कितना भी आपको कन्विंस किया जाए आप कन्विंस नहीं होते, समझ नहीं सकते और हमेशा अनसेटिस्फाइड रहते हो, कुछ ना कुछ आपके मन में चलता ही रहता है। यहाँ पर ऐसा लगता है व्यूअर्स जैसे आप लोगों के बीच कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है, कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, ये कॉन्फ्लिक्ट अगर बोल कर नहीं हुआ है, लाइक तू मैं नहीं हुई है, तो मन ही मन में मतभेद हो गया है, ये कॉन्फ्लिक्ट तो आया है, ये बीच में दरार तो आई है, लेकिन ये या तो बोलकर आर्ग्यूमेंट हुआ है, ओके, आर्ग्यूमेंट बोलकर ही होता है, या तो आर्ग्यूमेंट हुआ है या फिर चुप चुप रहकर ही मतभेद हो गए हैं आप लोगों के बीच। तो यहाँ नजर आ रहा है फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रहा है, यहाँ पर इतने सारे स्वॉर्ड्स मुझे नजर आ रहे हैं, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पर स्वॉर्ड्स बहुत है, यहाँ पर ना झगड़े, फाइटिंग, वॉर, बैटल, ऐसी एनर्जी बहुत है। यस, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके पर्सन ये सोच रहे थे कि आप लोगों का कितना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट में हो आप लोग, कितनी ज्यादा लड़ाई होती है आप लोगों की, और वो इस फैक्ट को रिकॉग्नाइज कर रहे थे, कहीं ना कहीं इस फैक्ट को एक्सेप्ट कर रहे थे आज के दिन कि आप लोगों के बीच कितने कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए हैं, कितनी तू मैं हो गई है, कितनी अनबन हो गई है, सब कुछ बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है, सब कुछ बहुत अनस्टेबल हो गया है, बहुत मेसी और बहुत केओटिक हो गया है। यहाँ पर वो ऐसा देख रहे हैं कि हमेशा छोटी छोटी बातों पर हमारी या तो लड़ाई हो जाती है, कुछ आर्ग्यूमेंट हो जाता है या कॉन्फ्लिक्ट है। तो अगर आप लोगों के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो वो उसके बारे में सोच जरूर रहे थे आज, और मुझे लगता है कि जब भी कोई आर्ग्यूमेंट होता है ना, आप दोनों ही कोशिश करते हो कि अपना वैलिड पॉइंट रख कर एक वैलिड पॉइंट रख के आर्ग्यूमेंट को जीत लिया जाए। जो भी आर्ग्यूमेंट हो रहा है, जो भी डिस्कशन हो रहा है, अपने अपने वैलिड पॉइंट्स रखते हो और जीतने की कोशिश करते हो आर्ग्यूमेंट को। तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट जीतने के चक्कर में शांति भंग हो जाती है, आपके रिश्ते की शांति भंग हो जाती है, स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है और सब कुछ शेक करने लगता है। तो इसीलिए यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड है एंड में, बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा आवश्यकता है इस रिश्ते में शांति बनाए रखने की, पीस मेंटेन करने की बहुत रिक्वायरमेंट है, मेंटेन पीस, मेंटेन हार्मनी, यहाँ पर तालमेल अच्छा बना के रखना होगा। और सबसे जरूरी बात, कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट जीतना है, मुझे अपने आप को सही साबित करना है, मैं कितना सही हूं मुझे बात प्रूफ करनी होगी, इस चीज को जाने दीजिए, दोनों के लिए ही है। लेट गो द नीड टू बी राइट, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, ओके, आप कितने सही हैं ये दिखाने की, ये प्रूफ करने की जो आपकी जरूरत है, या ये जो आप चाहते हैं कि मैं प्रूफ करूं, या आपके पर्सन चाहते हैं, इस चीज को लेट गो करना चाहिए और पीस मेंटेन करनी चाहिए। एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस, एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ हार्मनी, ऐसा यहाँ पर मुझे लगता है। टेम्परेंस का कार्ड है, कहीं ना कहीं आप दोनों को थोड़ा सा हील होने की जरूरत है, आपको भी हील होने की जरूरत है, उनको भी थोड़ी हीलिंग की जरूरत है। हो सकता है आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहे हैं, हो सकता है आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस काफी बिटर, काफी बैड एक्सपीरियंसेस रहे हैं व्यूअर्स, इसीलिए आप आसानी से विश्वास नहीं कर पाते हैं।
और कहीं ना कहीं आपके पर्सन शुरू से ही थोड़े से कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग और अग्रेसिव टाइप के अगर रहे हैं, चाहे सच बोलते हैं लेकिन फिर भी गुस्से वाले रहे हैं, अग्रेसिव रहे हैं, तो हो सकता है कि वो भी अपने इस रूप को, अपने इस आदत को बदल नहीं पाए हैं कि वो इन्हें इतना अग्रेसिव नहीं होना चाहिए या इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं आना चाहिए हर बात पे, इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, एंगर ठीक नहीं है किसी रिश्ते के लिए। और कहीं ना कहीं ईगो जो है, ये ईगो जो होता है कि हम सही साबित करेंगे अपने आप को या हम झुकेंगे नहीं, हम स्टेप नहीं लेंगे, जिसको ज़्यादा चिंता है वो स्टेप ले या जो ज़्यादा जिसकी गलती है वो स्टेप ले, मेरी तो गलती नहीं है, तो इस तरीके का पावर स्ट्रगल नहीं होना चाहिए, इस तरीके के ईगो वॉर, ईगो क्लैशेस नहीं होने चाहिए। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक पीस ट्रीटी की, शांति समझौते की बहुत ज़रूरत है यहाँ पर, ओके। तो वो सोच जरूर रहे थे इस बारे में कि थोड़ी आप लोगों के बीच शांति भंग हो चुकी है और रिश्ते में बहुत अनस्टेबिलिटी आ गई है, वो सोच रहे थे कि शांति मेंटेन करने की बहुत ज़रूरत है, पर अभी तक कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, कोई ऐसा चांस उनको मिला नहीं है, ना उन्हें आपकी तरफ से ऐसा कुछ दिख रहा है कि शांति मेंटेन करने के लिए आप लोग कोई एक्शन ले रहे हो, ऐसा दिख नहीं रहा है। यहाँ पर ऐसा लगता है व्यूअर्स कि आपके पर्सन सोचते जरूर हैं और आज के दिन भी ऐसा जरूर सोचा होगा कि क्या करें, शांति मेंटेन करने के लिए एक्शन लें या ना लें, ओके, कोशिश करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो इन दोनों बातों के बीच में, इन दोनों विचारों के बीच में थोड़ा सा उन्होंने जगल किया है, उन्हें थोड़ा सा उन्होंने सोचा जरूर है लेकिन किसी कंक्लूजन पर, किसी डिसीजन पर नहीं पहुंचे हैं। यहाँ पर आप या आपके पर्सन दोनों ही एयर साइन हो सकते हो, एयर साइन, या फिर यहाँ पर एयर साइन है, फायर साइन है, अर्थ साइन है, ओके, वाटर साइन भी हो सकता है, ऑलमोस्ट सभी साइंस कवर्ड हो चुके हैं यहाँ पे। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आ रहा है व्यूअर्स, जिस स्टेज पर जिस लेवल पर आप लोगों का कनेक्शन पहुंच चुका है, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन इस रिश्ते के लिए और आप दोनों के इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर बदलाव की बहुत ज़रूरत है, ओके, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की बहुत ज़रूरत है और हो सकता है कि ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, ओके, या फिर हो सकता है कि इतनी अनस्टेबिलिटी आ चुकी है कि इसके बाद सब कुछ चेंज ही हो जाएगा, ओके, देयर इज नो अदर ऑप्शन लेफ्ट, ओके। मैं आगे देखती हूँ, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके पर्सन थोड़ा मैच्योरिटी के साथ, थोड़ी कॉन्शियसनेस के साथ, बिना अग्रेसिव हुए, बिना इमोशनल हुए, थोड़े बैलेंस्ड पॉइंट ऑफ व्यू के साथ इस बारे में ज़रूर सोचेंगे, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। अभी मुझे लगता है कि आप लोगों के बीच बहुत पावर स्ट्रगल है, अभी इस सिचुएशन में एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, फिर वो ठंडे दिमाग से, स्टेबल थॉट्स के साथ और बहुत बैलेंस्ड पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, ओके, ऐसा नहीं कि अपने बारे में मेरी रिस्पेक्ट, मेरी चॉइस या मेरी बात या कहीं ना कहीं अपने बारे में नहीं सोचेंगे सिर्फ, या अपने से रिलेटेड नहीं समझेंगे सिर्फ, वो थोड़ा सा बैलेंस्ड होकर सोचेंगे, बट ओनली आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन। मुझे लगता है व्यूअर्स कि थोड़ा सा यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को इतना ज़्यादा हाइपर नहीं होना है। मुझे लगता है कि आपके पर्सन ना बहुत हाइपर एक्टिव इंसान है, बहुत जल्दी पैनिक करते हैं, बहुत जल्दी से क्विक डिसीजंस लेते हैं जो कि अच्छे नहीं होते, इंस्टेंट डिसीजंस, इंस्टेंट चीज़ें करते हैं। यहाँ पर मुझे लगता है कि उनको थोड़ा ना सिंप्लिसिटी के तरफ जाना चाहिए। सिंप्लिसिटी का मतलब यहाँ पर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो बहुत एक्स्ट्रा हैं कुछ, सिंप्लिसिटी का मतलब यहाँ पर ये है कि बहुत ज़्यादा हर चीज़ अपने ईगो पर नहीं लेनी चाहिए कि मेरा ईगो हर्ट हुआ या मैं पहले स्टेप लूँगा या लूँगी तो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होगी या मैं ऐसा नहीं कर सकता, नो मैं वैसा नहीं कर सकती, ऐसे नहीं करना है। थोड़ा सा अगर एक रिश्ता है तो रिश्ता देखिए दोनों लोग जब बैलेंस में आएंगे, ओके, तो ही वो रिश्ता अच्छे से चल पाएगा आगे। तो अगर एक रिश्ते को चलाना है थोड़े एडजस्टमेंट्स करने होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मैं बिल्कुल एडजस्टमेंट नहीं करूँगा तो मैं भी नहीं करूँगी,
तो फिर रिश्ता चलेगा कैसे? तो यहाँ पर थोड़े एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड हैं ऐसा लगता है. ओके, यहाँ पर दो कार्ड अनफोल्ड हुए हैं, मैं दोबारा से शफल करती हूँ. ओके अगेन टू कार्ड्स, आई नीड वन कार्ड एट वन टाइम. ओके, ये सोच रहे हैं इस बारे में कि एक नई शुरुआत आप लोगों को करनी चाहिए, सब कुछ नए सिरे से शुरू करना चाहिए और ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए. चलिए इसको क्लेरिफाई करते हैं. आई नीड वन मोर कार्ड फ्रॉम दिस डेक. अगेन यहाँ पर मिररिंग का मैसेज है. ऐसा लगता है कि आज आप लोग एक दूसरे को मिरर कर रहे थे. कहीं ना कहीं आपके थॉट्स और उनके थॉट्स एक दूसरे के साथ थोड़े बहुत मैच कर रहे थे, आप लोगों की थिंकिंग मैच कर रही थी और आप लोग मिरर कर रहे थे. क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस कार्ड को देखिए आप पहले और देखिए कैसे एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं. ये सिर्फ लोग ही देख रहे हैं और इनके अंदर जो एनर्जीज दिखा रहे हैं यहाँ पर अलग से पिक्चर में, वो भी एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं. ओके, तो कहीं ना कहीं आप लोग एक दूसरे को मिरर कर रहे थे, ये बात यहाँ पर क्लैरिफाई हो रही है. लेकिन यहाँ पर इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता, इस बात को डिनाई नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पर शांति बनाने की बहुत आवश्यकता है. ओके व्यूअर्स, आप या आपके पर्सन का बर्थ मंथ जो है वो मई हो सकता है, जुलाई एंड अगस्त, मार्च, सितंबर, जून, ये कुछ महीने हैं जिसमें आपका या आपके पर्सन का जन्मदिन हो सकता है. आइए चलिए देखते हैं आपका या आपके पर्सन का बर्थ डेट या डेट ऑफ बर्थ क्या हो सकता है. 2/12/22/11/21/31/1 ओके, 8/18/28/17/25/15/25 मैंने बोल दिया 5/15/25. ये कुछ डेट्स हैं और ये कुछ बर्थ मंथ हैं जो आपके या आपके पर्सन की सिचुएशन से मैच कर सकते हैं. अगर ये डेट ऑफ बर्थ और ये बर्थ मंथ आप लोगों के सिचुएशन से, आप दोनों में से किसी के साथ भी मैच नहीं करते हैं तो भी कोई बात नहीं, ये रीडिंग स्टिल आप लोगों से मैच कर सकती है. आइए चलिए देखते हैं आपके और उनके नाम में क्या अक्षर हो सकते हैं. काफी सारे लेटर्स यहाँ पर हैं आपके या उनके नाम में. ओ हो सकता है, ऑफ हो सकता है, जी हो सकता है, जी, एम हो सकता है, ई हो सकता है, एच हो सकता है, टी हो सकता है, एच टी, पी, एच टी पी, आर, आई, आई एंड के. ओके, के एंड एन, ए, बी एंड वी. ये कुछ लेटर्स हैं जो आपके या उनके नाम में हो सकते हैं. तो
तो आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है, रिलेटेबल रही है. इस रीडिंग ने आपको थोड़ा बहुत गाइड किया है. अगर 1% भी गाइड किया है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं. थोड़ी भी रिलेटेबल रही है, रेजोनेटिंग रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें. ओके, और सब्सक्राइब ज़रूर करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं हमारी छोटी सी ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा. आप कमेंट्स में अपकमिंग रीडिंग्स के लिए टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं. इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं देती हूँ, तो कमेंट्स में दिए हुए किसी भी कॉन्टैक्ट डिटेल का विश्वास ना करें. ओके, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर प्रेशियस टाइम. चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में. तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय बाय एंजल्स, आई लव यू ऑल, बाय बाय.